मैं हूँ इकरा बानो और आप देख रहे हैं बहबूद टीवी। गुज़श्ता रोज़ एमएस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खानेवाल ने फैमिली हेल्थ क्लिनिक का दौरा किया। इस मौके पर जिले बहबूद आबादी ऑफिसर खानेवाल भी उनके हमरा मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खानेवाल में मौजूद फैमिली हेल्थ क्लिनिक के दौरे के मौके पर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर जावेद ने खानदानी मनसूबाबंदी की दस्तियाब तमाम सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर वुमेन मेडिकल ऑफिसर की जानिब से इनको खानदानी मनसूबाबंदी की अद्वियात, मुफ्त चेकअप की सहूलत और दीगर सहूलियात के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। MSDHQ डॉक्टर जावेद ने दस्तियाब सहूलियात और अमले की कारकर्दगी को सराहा और इस मौके पर इनका कहना था कि वसाइल और आबादी में तवाज़ुन के लिए बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा और ख़ानदानी मनसूबाबंदी को अपनाना इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अब आपको आगाह करते हैं ओरिएंटेशन सेशन के मुतालिक। अड्डा सराय महाजर तहसील मनकेरा में होने वाले इस ओरिएंटेशन सेशन से ज़िले बहबूद आबादी ऑफिसर CNT मोहम्मद रमज़ान ऐवान ने खिताब किया। तहसील मनकेरा में होने वाले इस ओरिएंटेशन सेशन का मकसद पॉपुलेशन कंट्रोल, बर्थ स्पेसिंग, ख्वातीन की तालीम और माने हमल अद्वियात के इस्तेमाल से मुतालिक पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना था। लोगों को एक बड़ी तादाद से खिताब करते हुए पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रमजान ऐवान का कहना था कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी की तमाम सहूलियात बिल्कुल महफूज, मौसर और जायज़ हैं। हमें अफवाहों की तरफ कान नहीं धरना चाहिए और खुशहाल ख़ानदान के क़याम के लिए कोशिश करनी चाहिए। इनका मज़ीद कहना था कि बच्चे की पैदाइश में मुनासिब वक्फा जच्चा बच्चा की सेहत और खुशहाल ख़ानदान की तश्कील के लिए नहायत ज़रूरी है। हम सबको बहसीत कौम मिलकर खुशहाल माशरे के क़याम में अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। ओरिएंटेशन सेशन के शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि वसाइल और आबादी में तवाज़ुन के लिए वो अपना हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। ये थी आज की हमारी अहम तरीन खबरें। महकमा बहबूद आबादी पंजाब के मुतालिक दीगर खबरों को जानने के लिए देखते रहें हमारा YouTube चैनल बहबूद TV। आपसे मुलाकात होती है अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।